हे गाइस, आपने 2018 के कैमरा बीस्ट यानी कि गूगल पिक्सल 3 और 3 एक्सएल के बारे में सुना होगा, जो कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन थे, लेकिन प्राइसिंग के कारण इंडिया में वो इतने हिट नहीं रहे। तो गूगल ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। गूगल खास तौर पर इंडिया के मार्केट को ध्यान में रखकर नए पिक्सल 3A और 3A एक्सएल बना रहा। तो आज हम पिक्सल 3A और 3A एक्सएल के बारे में बात करेंगे। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। गूगल की तरफ से आने वाले मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाले हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन भी लीक होना शुरू हो गई है, जो कि खुद गूगल की ऑफिशियल साइट से शुरू हुई है। आप नीचे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। हालांकि गूगल ने इसे अभी ठीक कर लिया है, इससे लगता है कि इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है। अब बात करते हैं इनकी स्पेसिफिकेशंस की। 5.6 इंच डिस्प्ले इन द पिक्सल 3A एंड 6 इंच डिस्प्ले इन द पिक्सल 3A XL। नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट पिक्सल 3A, इट विल कम विद द स्नैपड्रैगन 670 प्रोसेसर, 5.6 इंच डिस्प्ले विद फुल HD रिजोल्यूशन। It has plastic body, 8MP front facing camera and 12MP rear facing camera. It will shoot with the same post processing technique which is like Pixel 3 and 3 XL. It also has night sight mode and 3000 mAh battery. Now let's talk about 3A XL, which has similar specifications like camera with night sight mode and plastic body full HD resolution. It has 6 inch display. It will come with the Snapdragon 710 730 chipset. Here is the good news that both mobiles have the headphone jack. इनमें अभी तक ये नहीं पता चला कि इनकी डिस्प्ले पैनल्स OLED है या IPS LCD, क्योंकि कुछ लीक्स में IPS LCD बता रखे हैं तो कुछ में OLED। Guys, इन दोनों में ही आपको कोई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा। इनमें ट्रेडिशनल रियर फेसिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर ही मिलेगा, विच आई लाइक द मोस्ट। इनमें कोई भी नोच डिस्प्ले नहीं मिलेगा। ये 18:9 के एस्पेक्ट रेशो के साथ आएंगे। Both mobiles have Type-C USB port, which is a good one. ये दोनों ही fast charging को support करेंगे और 18 watt के fast charger के साथ आएंगे। इनके storage variant 4GB RAM, 64GB storage and 3GB RAM, 32GB storage होंगे। इन दोनों phones में सबसे great thing ये है कि ये pure Android यानी कि stock Android, which gives you fast Android updates, security patch updates. अब बात करते हैं pricing और availability. क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंट्रिक मार्केट है, इंडिया में हर प्राइस सेगमेंट में कंपटीशन है, जिसके कारण अगर गूगल ने इनको ज़्यादा प्राइसिंग पर लॉन्च किया तो ये फ्लॉप भी हो सकते हैं। ये अराउंड 20,000 से 25,000 की रेंज में अवेलेबल होंगे। अगर इससे ज़्यादा की रेंज में ये आएंगे तो ये मुश्किल है, ये फ्लॉप हो सकते हैं। ये फोन अगर ये इससे ज़्यादा प्राइस पर आए तो इनको रिकमेंड करना मुश्किल होगा। ये फ़ोन 7 मई को गूगल के IO इवेंट में लॉन्च होंगे। That's all guys, इनमें आपको क्या पसंद आया प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई एम साइनिंग आउट। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट।